वीकेंड हो और कोई व्लॉग ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर आप पुणे में हैं या फिर पुणे विजिट कर रहे हैं तो एक ऐसी जगह जिसको मैं आज बताने वाला हूँ वहाँ आप जरूर जाइएगा, ओशो तीर्थ पार्क। बचपन में हम देखते थे कि हाँ, ओशो के बारे में पढ़ते थे कि कुछ ऐसा कुछ है। हम लोग हैं पुणे में, तो आज हम पहुँचे हैं ओशो गार्डन। दोनों साइड में है, इस साइड में भी है और मेरे पीछे भी आप देखेंगे इस साइड में भी है, तो दोनों साइड में जाने का रास्ता है। तो हम आज ये जगह को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो अभी मैं गेट पर खड़ा हूँ, उसके बाद सीधे हम जाएंगे अंदर, उसके बाद जगह पूरा जो है ये प्लेस जो है एक्सप्लोर करने वाले हैं। और जैसे ही आप पार्क में एंटर करेंगे आप रूबरू होंगे वंडरफुल नेचर और साउंड ऑफ द बर्ड्स विद ब्यूटीफुल वॉकिंग लेंस। अगर आप नेचर लवर हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूँ यह आपको बहुत ही पसंद आएगा। कोरेगांव पार्क का जो रेजिडेंशियल एरिया है, यह पार्क उधर ही सिचुएटेड है। पार्क के साथ साथ आपको ब्यूटीफुल बंगलोज भी देखने को मिलेंगे, जिसमें पोलंजी मिस्त्री और पूनावाला फैमिलीज और बजाज फैमिलीज मुख्य हैं। अब थोड़ा इस पार्क के बारे में भी बता देता हूँ। यह ब्यूटीफुल पार्क 12 एकड़ में रोड के दोनों तरफ फैला हुआ है। जापान के जैसे पार्क होते हैं उसी स्टाइल में इस पार्क को जो है बनाया गया है। यानी कि तीन बातों का विशेष ध्यान रखा गया है, जैसे कि स्टोन, प्लांट्स एंड वाटर का फ्लो कैसा होना चाहिए। इस पार्क में आपको बहुत से डिफरेंट प्रकार के पेड़ और फूल तो दिखेंगी। जो मेन भूमिका है वह है बैम्बू ट्रीज़ की, और उन पर आप चिड़ियों की आवाज़ अच्छे से सुन सकते हैं। पूरे पार्क में विजिटर के बैठने के लिए आइडियल सीटिंग की व्यवस्था की गई है। जगह जगह पर मार्बल स्लैब बनाए गए हैं जहाँ पर बैठ कर आप अच्छे से मेडिटेट कर सकते हैं। तो जब आप पार्क के अंदर जैसे ही अंदर एंट्री करेंगे, सबसे पहले आपको ओशो की भव्य प्रतिमा के दर्शन होंगे। कहते हैं शुरुआत अच्छी तो सब कुछ अच्छा। और हाँ, एक चीज याद दिलाना मैं तो भूल ही गया, अगर आप इस पार्क के अंदर आते हैं तो पानी की बॉटल जरूर कैरी करके रखिएगा, क्योंकि ये पार्क इतना बड़ा है हर चीज आपको देखने के लिए विवश करेगी। जब मैं इस तीर्थ पार्क में टहल रहा था तो मेरे दिमाग में बस एक ही बात आ रही थी, ये जो प्रकृति है ना, ये भगवान द्वारा दी गई एक उपहार है जिसे हमें सहज के रखना चाहिए। प्रकृति के बारे में जानना, प्रकृति से प्रेम करना, प्रकृति के करीब रहना, यह आपको कभी भी विफल नहीं होने देगा। बस हम सबका जीना पर्याप्त नहीं है, हमारे जीवन में थोड़ी धूप, थोड़ी स्वतंत्रता और थोड़े फूल भी होने चाहिए। तुम जहाँ भी जाओ, मौसम का मिजाज चाहे जैसा भी हो, हमेशा अपनी धूप साथ लेके जाओ। इस पार्क में आने के बाद मैं कुछ टाइम के लिए मौन हो गया, क्योंकि श्री ओशो द्वारा कही गई कुछ बातें मेरे मन में कौंध रही थी। चलिए तो उनके द्वारा कुछ कही गई बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मौन का अर्थ वाणी का अभाव नहीं, मौन का अर्थ है विचारों का अभाव। मन जब निर्विचार होता है तभी अनंत से जुड़ता है।
आओगे यहाँ पे तो तू खाना वाना नाश्ता वास्ता करके आना, क्योंकि है बहुत बड़ा और चलते चलते जाओगे थक, तो लोग भी थक गए इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। है, काफ़ी घूमने के बाद लगभग शाम हो चुकी थी और हमें भी निकलना था, और आज का दिन पूरा एंजॉय करने के बाद हम घर की ओर रवाना हो गए। अगर आपको यह पार्क विजिट करना है तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप नीचे चेकआउट कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि जो भी वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड करूँ और आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले व्लॉग में नए प्लेस के साथ, नई स्टोरी के साथ और मेरे नए अंदाज में। तब तक के लिए धन्यवाद एंड शुक्रिया।